अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सोशल स्टडीज़ क्लास 5 यूनिट 2 जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान लेसन नंबर 5 ओवर कंट्री। टुडे आवर टॉपिक इज पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड। इट इज पेज नंबर 42। लेट स्टार्ट। पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड ऑल्सो रीजनल बॉडीज लाइक द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इस सारे का क्या कहते हैं, सार्क, SAARC, सार्क। अब पाकिस्तान किस किस चीज़ में इन्वॉल्व है, मतलब किस किस का मेंबर है? UN का है और सार्क का है, और इसके अलावा पाकिस्तान इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ OIC। OIC का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ठीक है, ये इस्लामिक कॉरपोरेशन है OIC। पाकिस्तान UN का भी मेंबर है, सार का भी मेंबर है एंड OIC का भी मेंबर है, ठीक है। बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल बॉडीज हेल्प इन डिस्कसिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट मे अराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्योंकि पाकिस्तान इन जो चीज़ें हैं, मैं इनका मेंबर है, UN का भी मेंबर है, सार का भी मेंबर है, OIC का मेंबर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये हेल्प मिलती रहती है कि वो वक्तन फ़क्तन जो भी उसमें मसले उठते रहते हैं या मसाइल आते रहते हैं, उनको डिस्कस करें उसके बारे में और उसको हल करें, ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। वी हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद मैनी विद मोस्ट कंट्रीज एंड ऑल्सो हैव ट्रेड टाइड्स विद मैनी। पाकिस्तान के मतलब हमारे कई मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं, और इसके अलावा तजारती ताल्लुकात भी हैं बहुत ज़्यादा ममालिक के साथ। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट पाकिस्तान। पूरी दुनिया से बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान का विजिट करने आते हैं फॉर बिजनेस के लिए, कारोबार करने के लिए, ऑन ऑफिशियल ट्रिप्स या ऑफिशियल ट्रिप्स पे आते हैं एंड एज टूरिस्ट या टूरिस्ट के तौर पे आते हैं, ठीक है। बहुत पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान का विजिट करते हैं बिजनेस के लिए, ऑफिशियल ट्रिप्स के लिए और टूरिस्ट के लिए। दे केम हेयर टू विजिट फेमस हिस्टोरिकल साइट्स एंड बिल्डिंग्स। वो यहाँ पे मशहूर हिस्टोरिकल साइट्स, तारीखी मकामात और बिल्डिंग्स को देखने आते हैं, इमारात को देखने आते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी ऑल द ब्यूटिफुल प्लेसेज, और वो सारी खूबसूरत जगहों को देखना चाहते हैं। बिसाइड्स साइट सींग, टूरिस्ट कैन गो ट्रिकिंग, नज़ारों को लुत्फानंदोज होने के अलावा वो जो टूरिस्ट होते हैं, जो सियाह आते हैं, वो ट्रिकिंग करने वाले थे, ये बैलगाड़ी को चलाने को ट्रिकिंग कहते हैं, ठीक है, बैलगाड़ी का सफ़र करते हैं, माउंटेनियरिंग, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं या पहाड़ों को बूट करते हैं, फिशिंग मछलियों को पकड़ते हैं एंड हंटिंग और जानवरों का शिकार करते हैं एंड टेक पार्ट इन मैनी अदर एक्टिविटीज़, और बहुत सी दूसरी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। ये जितने भी सियाह आते हैं यहाँ पाकिस्तान की जो सैर करने आती हैं, वो ट्रिकिंग में मतलब जो बैलगाड़ी की सफ़र होता है उसमें जाते हैं, पहाड़ों का सफ़र करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं और बहुत सी दूसरी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तानीज हैव ऑलवेज बीन गुड एट स्पोर्ट्स। पाकिस्तानी हमेशा से ही खेलों में अच्छे रहे हैं एंड वी हैव सम वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स टीम हेयर। आलमी मियार की खेलों की टीमें भी हैं, ठीक है, और हमारे मुल्क पाकिस्तान में आलमी मियार की टीमें भी मौजूद हैं। ओवर क्रिकेट एंड हॉकी टीम एंड ओवर स्क्वैश प्लेयर आर नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। हमारी जो क्रिकेट की टीम है, हॉकी की टीम है और जो स्क्वैश के जो खिलाड़ी हैं, वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वी ऑल्सो हैव मैनी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, और हमारे इधर यहाँ मुल्क पाकिस्तान में बहुत सी खेलों की सहूलियात भी मौजूद हैं एंड एक्सपोर्ट्स और बाहर के मुल्कों में भेजा जाता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू मैनी कंट्रीज़। बहुत से ममालिक में खेलों का जो सामान है वो बाहर भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। एज यू कैन सी हियर टूरिस्ट एट टेक्सला, ये देखें टेक्सला में जो टूरिस्ट आते हैं वो सैर करने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैर करने आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ न्यूक्लियर फ्यूचर। पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट इस्लामिक कंट्री टू हैव डिवेलप्ड अ न्यूक्लियर फैसिलिटी। पाकिस्तान वो पहला इस्लामी मुल्क है जहाँ पे न्यूक्लियर, जो कि न्यूक्लियर पावर है या न्यूक्लियर की सहूलत मौजूद है। पाकिस्तान टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एट चागी इन बलोचिस्तान इन मई 1998।
पाकिस्तान ने मई 1998 में चावी, जो कि बलूचिस्तान का एक इलाका है, वहाँ पे अपनी न्यूक्लियर पावर की पहला वहाँ पे तजर्बा किया था, ठीक है। बट पाकिस्तान इज़ कमिटेड टू द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ही अपनी न्यूक्लियर पावर को पुरअमन तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, स्पेशली फॉर पावर प्लांट्स टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, खासतौर पर पावर प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ से बिजली मुहैया की जाती है। वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट सम ऑफ द मैनी वेज द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर इट्स पीपल, हम पहले ही पीछे पढ़ चुके हैं कि किस तरह हुकूमत मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों की मदद करती है। वन की रोल इज़ दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पब्लिक सर्विसेज एंड गुड्स, और उनमें से सबसे अहम जो किरदार है वो ये है कि जो हुकूमत है वो पब्लिक सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। अभी इसकी डिटेल बताएंगे कि पब्लिक सर्विसेज और गुड्स क्या क्या चीज़ें आएंगी। फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पीपल, तमाम लोगों की सहूलियात के लिए या उनके फ़ायदे के लिए, ठीक है। सर्विसेज इंक्लूड अ नेशनल डिफेंस फोर्स, अब सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, नेशनल डिफेंस फोर्स मतलब अफवाज पाकिस्तान जो है वो शामिल हैं, द पुलिस पुलिस शामिल है, एंड द फायर प्रोटेक्शन और जो आग को बुझाने के लिए अदारे हैं वो शामिल हैं, ठीक है। पब्लिक गुड्स में आपको कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, पहले सर्विसेज के बारे में उन्होंने बताया, अब गुड्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। पब्लिक गुड्स आर इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स, अब पब्लिक गुड्स में माशी चीज़ें शामिल हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, दैट आर यूज डायरेक्टली एंड कलेक्टिवली, जो कि बराह रास्त इस्तेमाल की जाती हैं और मजमूई तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, मतलब जितने भी लोग इस पाकिस्तान में रहते हैं वो सब मिल के इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज इंक्लूड्स, अब उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, हाईवेज, ये जो बड़ी रोड्स होती हैं हाईवेज होती हैं, एंड स्टेशन, और ये जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन वगैरह या बस स्टेशन हो गया, बस स्टॉप वगैरह सिस्टम, ये सारी चीज़ें पब्लिक गुड्स में आती हैं, ठीक है। पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, अब इसकी डिटेल आ गई है उन्होंने बताई है। फर्स्ट वन, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज आर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू एवरी सिटीजन बाय द गवर्नमेंट, अब पब्लिक गुड्स और सर्विसेज वो चीज़ें हैं जो हुकूमत की तरफ से तमाम शहरियों को के फ़ायदे के लिए दी जाती हैं। देयर यूज़ बाय वन आर मोर सिटीजन डज नॉट रिड्यूस देयर अवेलेबिलिटी टू अदर्स, ठीक है। चाहे उसको थोड़े सिटीजन शहरी इस्तेमाल करें या ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी जो मुयसर होने की जो बात है वो उसमें कमी नहीं आती, मतलब वो हमेशा हमेशा ही मुयसर रहती है, चाहे उसको थोड़ा इस्तेमाल किया जाए या ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बसें वगैरह होती हैं या ट्रेनें वगैरह वो शामिल हैं, रोड ये जो सड़कें हैं, ब्रिजेस, पुल, नेशनल सिक्योरिटी जो कौमी तहफ्फुज़ होता है वो ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा वाटर सप्लाई, पानी को पहुँचाना, अ क्लीन इन्वायरमेंट और माहौल को साफ रखना, पार्क्स, पार्क, हॉस्पिटल, एजुकेशन, तालीम, एंड द कल्टिवेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड क्रॉप्स आर जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक गुड्स, अब ये जो ऊपर इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं पब्लिक गुड्स में जो शामिल हैं, ठीक है। एंड सर्विसेज ऑफर्ड टू द पीपल बाय द गवर्नमेंट, ये वो सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक गुड्स और सर्विसेज में आती हैं, जो कि आवाम को मुहैया की जाती हैं हुकूमत की जानिब से। आगे प्राइवेट गुड्स और सर्विसेज भी आती हैं, ये तो पब्लिक होगी जो सब लोग फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, अब प्राइवेट होती हैं जो कुछ लोग खरीद लेते हैं और उनको पैसों के बदले इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। प्राइवेट गुड्स आर द ऑपोजिट ऑफ पब्लिक वंस, अब जो प्राइवेट गुड्स हैं ये पब्लिक के ऑपोजिट है, ठीक है। प्राइवेट गुड्स आर नॉट अवेलेबल टू एवरी वन, जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो हर एक के लिए मुहैया नहीं की जा सकती, बट ओनली टू दोज, लेकिन सिर्फ उन्हीं को दी जाती है हु पे फॉर देम, जो उनके लिए पैसे देते हैं या उनके लिए पे करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट सर्विसेज आर गेटिंग अ हेयर कट, अब प्राइवेट सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, गेटिंग अ हेयर कट बालों को कटवाना, ईटिंग एट अ रेस्टोरेंट किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना, एंड हैविंग योर क्लॉथ्स टेलर्ड या अपने कपड़े सिलवाना किसी टेलर से, ये सब प्राइवेट गुड्स और सर्विसेज में आती हैं, ठीक है। इन कामों के लिए हमें पे करना होता है। नेक्स्ट द आर्म फोर्सेज, अफवाज जो है, पाकिस्तान आर्म
आर्मी नेवी एंड एयर फोर्सेस हैव ऑलवेज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द कंट्रीज हिस्ट्री। ये पाकिस्तान की जो आर्मी है, नेवी मतलब जो समुद्री फौज है वो, और एयरफोर्स जो हवाई फौज है वो, इन तीनों फोर्सेस ने हमेशा ही पाकिस्तान की तारीख में अहम किरदार अदा किया है। आवर आर्म्ड फोर्सेस आर मॉडर्न वेल इक्विप्ड एंड क्वाइट कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग आवर कंट्री। जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है वो जदीद है और जदीद असले से लैस है, और हमारे मुल्क पाकिस्तान को की हिफाजत करने की पूरी उनमें ताकत है। दीज फोर्सेस आल्सो डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क ड्यूरिंग पीस टाइम। और ये जो फौजें हैं ये अमन के दौरान में भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल सपोर्ट्स ड्यूरिंग एनी नेचुरल क्लैमिटी, और किसी भी कुदरती आफत के दौरान बहुत ज़्यादा मदद देती हैं। एज पार्ट ऑफ यूएन पीस कीपिंग मिशंस ड्यूरिंग एनी नेट पाकिस्तानी ट्रूप्स हैव बीन सर्विंग इन कंट्रीज वेयर कन्फ्लिक्ट्स और वार्स ब्रेक आउट। चूँकि पाकिस्तान यूएन का मेंबर है और अमन हासिल करने वाले मिशन में शामिल है, इसलिए जो पाकिस्तानी फौजें हैं वो अक्सर उन मुल्कों में जाती हैं जहाँ पे कोई लड़ाई हो रही हो या कहीं जंग शुरू हो जाए। ठीक है, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप फाइव प्रोवाइडर्स ऑफ यूएन पीसकीपर, और जो यूएन के पीसकीपर कंट्रीज में शामिल हैं उनमें पाकिस्तान पहले पाँच मुल्कों में शामिल है। इन पाकिस्तान यंग पीपल ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ ज्वाइनिंग द बॉय स्काउट्स एंड और गर्ल गाइड्स। और जो पाकिस्तान में जो जवान लोग हैं उनमें भी ये, उनको भी ये सहूलत दी जाती है कि वो बॉय स्काउट या गर्ल गाइड में हिस्सा लें। ऑर्गेनाइजेशन लाइक दीज हेल्प यंग पीपल टू डिवेलप अ रीजन एज रीजनेबल केयरिंग एंड यूजफुल सिटीजन। और ये इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है और अदारे हैं वो जवान लोगों को के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करते हैं और उनके केयरिंग करने की उनमें अहमियत अहलियत पैदा करते हैं और उनको मुफीद शहरी बनने की अहलियत उनमें डालते हैं। ठीक है, आज के लिए हम लोग अपना टॉपिक यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट सोशल सर्विस हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।